कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक बाल लीलाएं की थी और इस मास को धन्य कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई इन्हीं लीलाओं के कारण आज कार्तिक मास इतना पवित्र बना हुआ है। गोवर्धन पूजा, उखल बंधन लीला, राधा कुंड का निर्माण, ये सभी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन कार्तिक मास में की है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की जाने वाली लीलाओं में से एक दिव्य लीला है जिसमें उन्होंने गायों की अनेक रूप से सेवा की थी। और भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में से ये लीला सबसे महत्वपूर्ण और हर्ष प्रदान करने वाली है, जिसे हम पर्व के रूप में भी मनाते हैं, और वो है गोपाष्टमी का पर्व। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। इस किस प्रकार जन्माष्टमी और राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार गोपाष्टमी का पर्व भी मनाना चाहिए। गोपाष्टमी के शुभ दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों के साथ साथ गायों को भी वन में चराने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और अष्टमी को यानी गोपाष्टमी के दिन इंद्रदेव का मान भंग हुआ था। उसी दिन कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल स्वरूप की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ गायें, उनके बछड़े और गैया चराने वाले ग्वालों की भी पूजा होती है। जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन है गौ माता की पूजा करने के लिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गाय को माता के रूप में माना गया है, यहाँ तक कि उन्हें पृथ्वी का स्वरूप माना जाता है। उनके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं और इसलिए गाय माता की पूजा आराधना करने से हम सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कर लेते हैं। गौ सेवा करने से सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं और इस विशेष दिन पर गाय की सेवा और पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आदर्श स्थिति तो ये है कि प्रतिदिन हमें गाय को सम्मान देते हुए भोजन करवाना चाहिए, उन्हें चारा खिलाना चाहिए या कम से कम एक रोटी उनके लिए अवश्य ही निकाल के रखनी चाहिए। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि गोपाष्टमी 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जा रही है। ये तिथि आरंभ हो रही है 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन रात्रि के समय 11:56 पर और इसका समापन होगा 9 नवंबर 2024 शनिवार को 10:45 पर। और इसलिए हम गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर शनिवार को मना रहे हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। गायों को इस दिन नहलाकर, मेहंदी के थापे लगाकर, हल्दी और रोली से पूजा की जाती है। उन्हें घंटियों, सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकालना होता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूरी तक चला जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में थे, तब तब वो आगे आगे गाय और बांसुरी बजाते हुए स्वयं पीछे वन में गायों को चराने के लिए जाते थे और तब भगवान और बलराम जी के साथ श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए सभी ग्वाल गोपाल भी विहार करते हुए वन में प्रवेश करते थे और तभी से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ था। जब भगवान गायें चराते हुए वृंदावन में जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वो वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों से सजा हुआ बन गया था। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गायों के संग खेला करते थे और वे गायों की सेवा भी करते थे। उन्हें गायों से अत्यंत प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण को गायों और ब्राह्मणों का रक्षक कहा जाता है और इसीलिए तो ये श्लोक आता है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण गायों के रक्षक और पालक हैं, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। इसीलिए गोपाष्टमी के इस दिन हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, विधि विधान से उनकी पूजा करके उन्हें चारा खिलाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास संभव नहीं है तो आप गौशाला में जाकर भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आइए इस गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में आज एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं।
एक समय भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों को एक वर्ष तक गुफा में छिपा दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से अपना विस्तार किया और स्वयं को उन सभी ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में विस्तारित कर दिया। ये देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान हो चुका था। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना की और उस समय से गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन करने और उनकी परिक्रमा करने का भी महत्व है। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूरी तक गायों के पीछे चलना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध राधा कुंड में स्नान करके जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके समस्त पापों का निवारण हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली वेला में गायों के खुरों की धूल को शिरोधार्य करके उनके पीछे चलने से भी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गौदान करना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है। तो ये थी आज की गोपाष्टमी की व्रत कथा।